हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बोला था, ऑफ कोर्स पिछली से पिछली वीडियो में, कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की बहुत संभावना है। और अभी अभी दैनिक जागरण में आई थिंक शायद सिर्फ 1.5 घंटे पहले ही ये न्यूज़ आ गई है। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से ये न्यूज़ आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो न्यूज़ कह रही है कि UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा टली 26 मई से थी प्रस्तावित। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेजों के लिए 2003 पदों पर होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती परीक्षा टल गई है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 50 के तहत 49 विषयों की भर्ती निकाली है। इसकी प्रथम चरण की परीक्षा 26 मई से प्रस्तावित थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र परीक्षा स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। तो ये न्यूज़ आ गई है और इसका मैंने पोस्ट भी ऑलरेडी डाल दिया था, पर जो लोग पोस्ट नहीं देखते हैं उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो मैं इस वीडियो के नीचे इस न्यूज़ का आपको लिंक भी दे दूँगी। जल्दी ही ये बात स्पष्ट हो ही गई है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं। तो आई नो कि कुछ लोग होंगे जो बहुत ही होपलेस हो रहे होंगे कि इतने टाइम से वैसे ही एग्ज़ाम टल रहा है और अभी भी दोबारा से ये होना अच्छा तो नहीं लगता जब हम अच्छे से तैयारी करते हैं। पर अभी जान से ज़्यादा किसी को कोई चीज़ प्यारी नहीं है, तो आप सब लोग घर पे रहिए, तैयारी करिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। ये एग्ज़ाम जल्दी ही होगा। अभी किसी ने ये कमेंट भी डाला कि कब तक प्रोबेबल हो सकता है एग्ज़ाम होना। देखिए, ये तो कोई भी नहीं बता सकता, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि सिचुएशन कब ठीक होगी। क्योंकि अभी जो सिचुएशन है उस हिसाब से तो मतलब ये 1-2 महीने तो आराम से मेरे ख्याल से खिंचेगा जिस तरीके की सिचुएशन है। बट होपफुली सब कुछ, जैसा कि हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए, सब हेल्दी रहें, सब सुरक्षित रहें और जल्दी से ही हम अपने नॉर्मल लाइफ पे आ जाएं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। मुझे एक्चुअली ये भी जानना था कि आप में से कितने लोगों ने DSSB PGT एग्ज़ाम के लिए फॉर्म्स फिल किए थे। अगर आपने फिल करे थे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि उसकी डेट्स भी आ गई हैं और हमें शायद उस एग्ज़ाम को भी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो लोग भी टीचिंग लाइन में अपना करियर सेट करना चाहते हैं। तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा और स्टे कनेक्टेड। हम ऐसे ही अपडेट्स डिस्कस करते रहेंगे आने वाले फ्यूचर में भी। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।